अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है ना चैप्टर टू नाइन क्लास क्लास नाइन था ये काइनामेटिक्स की डेरिवेशन कर ली थी। काइनामेटिक्स में हमारे पास तीन ही डेरिवेशन थी जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं चैप्टर थ्री पर आ गया हूँ। चैप्टर थ्री डायनामिक्स है, इसमें भी तीन डेरिवेशन है आपके पास। पहली डेरिवेशन है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यानी डेल्टा पी, या तो लिख देगा प्रूव डैट डेल्टा पी इक्वल है ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकता है लैंग्वेज में प्रूव डैट मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, या ये भी लिख सकता है कि मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ये ड्राइव करना। आइए, इसको ड्राइव करने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी डेरिवेशन से पहले हमें स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट की बिहाफ पे डेटा बनता है। तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, अ फोर्स F acts on the body to produce acceleration A, ठीक है जी। Therefore, the final velocity after time t will become vf। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में जो चीजें दी हुई है उसका हम डेटा बना लें। हमारे पास मास की वन है, m के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी की वन है, वी आई के इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, वी एफ गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, ए, टाइम गिवन है टी, और फोर्स गिवन है। हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकाल लें, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और इसे इनिशियल लिख दें कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मास एम है और वेलोसिटी वी आई है। और मोमेंटम की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम आ जाता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा मोमेंटम को हम उर्दू में कहते हैं मयार हरकत, हरकत मोशन को कहते हैं हम। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे एबिलिटी बताई जाती है किसी बच्चे की कॉपी पर लिख करके, ये एक्सीलेंट है, गुड है, नाइस है, वट एवर जो भी दी जाती है, इस तरह उस सेंटेंस से पता चलता है, यानी उस वर्ड से पता चलता है उस बच्चे के बारे में। सेम लाइक दिस, इसी तरह वेलोसिटी के बारे में या किसी गाड़ी के बारे में हमें मालूम करना हो तो उसकी मोमेंटम निकालते हैं हम, उसका मोमेंटम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वेलोसिटी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है, ठीक है जी। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स निकाल लिया। अब हम निकाल लें मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है, अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ए, देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी विल बिकम वी एफ। तो
फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, तो मोमेंटम फाइनल निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम वी एफ। ठीक है जी, यहाँ तक ये स्टेटमेंट था, इससे हमने डेटा बनाया और ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज के लिए मैंने आपको बताया था, चेंज निकालने के लिए हमेशा हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास और इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है एम वी एफ माइनस एम वी आई, और चेंज को मैंने कहा कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किस में चेंज निकालना है? मोमेंटम में। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई टी बोथ साइड्स, टाइम से हम डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी, और ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। इन दोनों में से एम कॉमन आ रहा है ऊपर वाले से, बच जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। और ये हम काइनामेटिक्स में पढ़ के आए कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। और हम पढ़ के आए इस चैप्टर में इनिशियल कंडीशन में कि फोर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेशन इज कॉल्ड फोर्स, यानी मास और एक्सेलेशन का प्रोडक्ट फोर्स कहलाता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर दें एफ से, एम ए जो है इक्वल है एफ के, तो डेल्टा पी इक्वल हो जाएगा एफ टी के। ये हमने ड्राइव करना था, ये ड्राइव हो गया हमारे पास मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने ड्राइव करना था मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के लिए हमारे पास, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट ये लिखा कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास इन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, या फोर्स एफ एक्स ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन ए, देयर फॉर इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी विल बिकम वी एफ। ये डेटा बना लिया हमने, हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। मोमेंटम हम पढ़ कर आ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंटम आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला, मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल मोमेंटम हमने निकाला, मास को हमने फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है और ये आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है। फिर हम निकाल रहे हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमने फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दी। मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि चेंज निकालने का तरीका यही है, हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे तो उस चीज़ में चेंज आ जाएगा। मोमेंटम में चेंज निकालना है, मोमेंटम के फाइनल में से मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया, वैल्यूज ये रही हमारे पास। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया डेल्टा पी और यहाँ ये आ गया। फिर मैंने लिखा डिवाइडेड बाई टी बोथ साइड्स हमने टी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने इन दोनों में से एम कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिया, ये बच गया। और ये हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, काइनामेटिक्स में हम पढ़ के आए हैं, जो कि एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड फोर्स। टी डिवाइड हो रहा था, वहाँ ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट डेरीवेशन है फोर्स के लिए, फोर्स इक्वल होता है एम ए का, जस्ट लिखा हुआ आएगा प्रूव डैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इसको ड्राइव करने के लिए स्टेटमेंट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, स्टेटमेंट हम लिखेंगे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, टू अ बॉडी एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वो कह रहा है कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो उस बॉडी में एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आगे बता रहा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सेलेशन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स।
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू द मास ऑफ द बॉडी। ये कहलाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि डिफाइन एंड ड्राइव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये भी लिखना पड़ेगा हमें और ड्राइव भी करना पड़ेगा, और सिर्फ डेरिवेशन आएगी देन तब भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट तो हमें लिखना है डेरिवेशन से पहले, इस स्टेटमेंट से कंडीशन बनेगी हमारे पास। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एन एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो है ना एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो एक्सेलेरेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डेफिनेशन के मुताबिक वो कह रहा है वो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड फोर्स के। इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे दें, और आगे कह रहा टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वही एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द मास ऑफ द बॉडी के। मैंने आपको बताया था कि अगर दो फिजिकल टर्म एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये सिंबल यूज़ करेंगे और दोनों को डायरेक्ट लिख देंगे, और दो फिजिकल टर्म एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंबल वही इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाले को अपॉन में लिख देंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेजन नंबर वन एंड इक्वेजन नंबर टू, तो ए सेम है दोनों में, वन टाइम लिखेंगे एफ मल्टीप्लाई बाई वन ओवर एम, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम के। और हमें पता है कि जब डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं, यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के है, यहाँ लिख देते हैं हम वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है जी, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वन, वन के इक्वल नहीं है दी हुई है, तो यहां के की जगह हम वन पुट कर दें, ये वन से मल्टीप्लाई होगा यही हो जाएगा, ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ वहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू एफ, तो इसे फॉर्म में लिख दें एफ इज इक्वल टू एम ए। ये सेन फोर्स का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ये सेकंड डेरिवेशन है इस चैप्टर की। पहली डेरिवेशन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स था, सेकंड डेरिवेशन ये है। अब हम थर्ड डेरिवेशन कर रहे हैं, थर्ड डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हम ड्राइव करेंगे। वो लिखेगा प्रूव डैट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, या फिर वो लैंग्वेज में लिख देगा प्रूव डैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि द मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हमारे पास हो जो आइसोलेटेड हो, आइसोलेट हो, ना तो वो बाहर वाले से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करे ना अपनी एनर्जी बाहर वाले को दे, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पैक्ड सिस्टम होता है, जो कम्प्लीटली तौर पे जो ना अपनी एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो द मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड यानी उस सिस्टम में कुछ बॉडीज हैं और वो टकराने से पहले और टकराने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है, और उसकी डेरिवेशन ये है हमारे पास, हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम दोबारा, लिखेंगे कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम
सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड ही होना चाहिए। आप तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, 9th क्लास में फिजिक्स अभी इंट्रोड्यूस हुई है आपके लिए, इसलिए आपको नहीं पता। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं। आइसोलेटेड होता है, आइसोबैरिक होता है, आइसोहोरिक होता है, आइडियाबेटिक होता है, सही ना, आइसोथर्मल होता है, किसी में कुछ कॉन्स्टेंट होता है, किसी में कुछ कॉन्स्टेंट होता है। आपको दिया हुआ है सिस्टम आइसोलेटेड, पैक्ड सिस्टम, जो ना अपनी एनर्जी रिलीज करे, ना ही बाहर से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करे, सही है ना। एक पैक्ड हो, अलग थलग हो बिल्कुल, कोई काम ना करे वो, आप बाहर से कोई ना कोई एनर्जी ले, ना अपनी एनर्जी बाहर दे, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स, उसमें 2 बॉल्स हैं, बिलियर्ड बॉल ऑफ मासिस M1 एंड M2। मतलब इस लेवल पे बच्चा जो है ना 1 और 2 को ऊपर लिख देता है इसके, यहाँ ऊपर लिख देगा तो पावर ऐसा लगेगा कि पावर है एम पर, और यहाँ भी ऊपर लिख देगा तो ऐसा लगेगा कि एम पर पावर 2 है, तो ये नीचे लिखा जाएगा M1 और M2, नीचे M1 और ये M2। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ऑफ U1 एंड U2, सही है। एक सिस्टम हमने ले लिया आइसोलेटेड जिसमें 2 बॉल मौजूद हैं, एक का मास M1 है और एक का मास M2 है, और वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें 2 बॉल है, ऐसी रफ से आपको समझा रहा हूँ। इसका मास M1, इसका मास M2, ये इसकी वेलोसिटी U1, इसकी वेलोसिटी, और जब ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे तो इनके मासेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। चूंकि मुझे फार्मूला ड्राइव करना है इसलिए मैं न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू नहीं ले सकता, तो वेलोसिटी U1 से इसकी हो जाएगी V1 आफ्टर कोलिजन, और इसकी U2 से हो जाएगी V2, यानी अगर ये कोलाइड कर जाएंगे तो। यही मैं लिखने जा रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम्स V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली से मुराद ये है कि पहली बॉडी की वेलोसिटी V1 हो जाएगी और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी V2 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम कंडीशन बना लें, मास ऑफ बॉडी सही है ना, 1, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी लिख दें हम, हमारे पास दिया हुआ है M1, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये सारा हमारा काम हो रहा बिफोर कुलिजन, बिफोर कुलिजन, टकराने से पहले हम वो भी हेडिंग डाल दें ज्यादा अच्छा रहेगा, बिफोर कुलिजन मास ऑफ फर्स्ट बॉडी M1, ये जो लिखा है यही काम करने जा रहा हूं। फर्स्ट बॉडी का मास हमने M1 लिया, वेलोसिटी ऑफ बिफोर कुलिजन फर्स्ट बॉडी U1 लिया हुआ हमने, कि इनिशियल वेलोसिटी U1 और U2 से मूव कर रहे हैं। इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसे 1 ले लेते हैं, मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम आ गया। इसी तरह हम लिखेंगे मास ऑफ सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का मास दिया हुआ है M2, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कोलिजन है ये, U2 दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है, इसे हम 2 का नाम दे दें, ये हो जाएगा M2
इंटू यू टू, टू है ये, नीचे है, पावर में नहीं है, ये आ गया हमारे पास। तो हमने बिफोर कोलिजन दो ही बॉडीज हैं हमारे पास, फर्स्ट बॉडी का भी मोमेंटम निकाल लिया और सेकंड बॉडी का भी मोमेंटम निकाल लिया। हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम, ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, ठीक है जी। टोटल मोमेंटम आ जाएगा पी वन प्लस पी टू। पी वन की वैल्यू आ गई एम वन यू वन और पी टू की वैल्यू आ गई एम टू यू टू। ये आ गया हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, ठीक है जी। ये आ गया, अब आफ्टर कोलिजन हम कैलकुलेट कर लें। आफ्टर कोलिजन वही मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कोलिजन के बाद, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी अब वेलोसिटी यू वन से वी वन हो गई। मोमेंटम निकाल लें, फर्स्ट बॉडी मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ वन यहाँ टू ले लिया है, आपकी मर्जी प्राइम में रिप्रेजेंट कर दें या थ्री और फोर ले लेता हूँ। थ्री एम वन वी वन, मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इसी तरह मास ऑफ सेकेंड बॉडी एम टू, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी वी टू, मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी। इसे हम पी फोर से रिप्रेजेंट कर लें, एम टू वी टू, ठीक है जी। दोनों बॉडीज का हमने मोमेंटम निकाल लिया आफ्टर कोलिजन, ये दोनों बॉडीज का मोमेंटम हमने निकाला था बिफोर कोलिजन। वही लिखेंगे टोटल मोमेंटम, टोटल कर लें इसे, ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन, ये आ जाएगा पी थ्री प्लस पी फोर। पी थ्री की वैल्यू आ गई हमारे पास एम वन वी वन और पी फोर की वैल्यू आ गई एम टू वी टू। ये टोटल मोमेंटम आ गया था बिफोर कोलिजन और ये टोटल मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो यहाँ लिख दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यह हमें रिवील करता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने निकाला एम वन यू वन और ये निकाला एम टू यू टू, ये निकाला हमने एम वन वी वन और ये निकाला एम टू वी टू। इस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्राइव हो गया। क्लियर हुआ? जस्ट लिखना है हमें, स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है ना हम सिर्फ लिख रहे हैं, मोमेंटम निकालना मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मोमेंटम आ जाएगा। तो इस तरह डायनामिक्स के हवाले से तीन डेरिवेशन थी, तीनों की तीनों कंप्लीट हो गई। पहली डेरिवेशन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स थी, दूसरी डेरिवेशन फोर्स के लिए था और थर्ड डेरिवेशन ये है, सही है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमारे पास न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर फोर, उसमें दो डेरिवेशन है। तो दो में से जो है ना एक मैं कर दूंगा आपके लिए, एक लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुकी है और वो डेरिवेशन हम लिखेंगे और उसे करेंगे, ठीक है जी।